नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर इंडियन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई के बारे में। एसबीआई के जो है दोस्तों 1 अप्रैल 2017 से नए नियम लाने वाली है, और ये दोस्तों बहुत बड़े बदलाव, बहुत सारे बदलाव लाने वाली है एसबीआई। तो अगर दोस्तों आपका खाता एसबीआई में है तो आप ये वीडियो जरूर से देखिएगा। तो दोस्तों क्या बदलाव होंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करूँ कि मिनिमम बैलेंस की, अगर मिनिमम बैलेंस की बात करें दोस्तों, अगर आप महानगर में रहते हैं तो आपको मिनिमम बैलेंस रखना है 5,000 रुपीज़, और अगर आप शहर में रहते हैं तो 3,000 रुपीज़ रखना है आपको मेंटेन करने ही करना होगा। और अगर आप सेमी अर्बन मतलब अर्ध शहर जो कहते हैं, अर्ध शहरी इलाके जो हैं उनमें रहते हैं तो आपको कम से कम 2,000 रुपये मेंटेन करना है, और ग्रामीण इलाके में मतलब जो गांव में रहते हैं उनको 1,000 रुपीज़ 1,000 रुपये मेंटेन करना है। और जिनका खाता जनधन योजना में खुला गया है तो उनके लिए दोस्तों कोई खबर नहीं, उनके लिए कोई मेंटेन नहीं करना, कोई भी मतलब उनको कोई भी पैसे उसमें नहीं भी रखेंगे तो उनका कोई चार्ज नहीं कटेगा। तो उनके लिए कोई मिनिमम बैलेंस जो है डिसाइड नहीं किया एसबीआई ने। तो दोस्तों ये तो रहा मेंटेन करने वाली बात, मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करना है। अब लेन देन की बात करें दोस्तों, तो आप जो है अब जो है एसबीआई में 1 अप्रैल से तीन बार से ज़्यादा अगर कैश जमा करोगे तो दोस्तों उसमें आपका जो है पैसा कटेगा, उसमें आपको चार्जेस देना पड़ेगा, और वो चार्जेस रहेंगे दोस्तों 57 रुपीज़ और 50 पैसा। जी हाँ दोस्तों, 57.50 आपका चार्ज देना होगा अगर आप 3 बार से ज़्यादा जमा करते हैं तो। और दोस्तों अगर आप 2 लाख से ज़्यादा जमा करेंगे कैश तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। तो खबरें ये हैं दोस्तों, अगर आप मान लीजिए 2.5 लाख रुपये जमा करने गए तो आपको 2.5 लाख रुपये ही पेनल्टी देना पड़ जाएगा। तो मतलब दोस्तों आपको 2 लाख के अंदर ही जमा करना है, मतलब 2 लाख तक ही जमा कर सकते हो आप कैश, और तीन बार से ज़्यादा करोगे तो आपका बेसिक चार्ज कटेगा। और जो दोस्तों करेंट अकाउंट जिनका है तो उनके लिए डेली की जो लिमिट है 25,000 का लेन देन डेली कर सकते हैं, और अगर करेंट अकाउंट वाले 25,000 से ज़्यादा लेन देन करेंगे तो उनको भी चार्ज देना पड़ेगा। उनका भी चार्ज जो है दोस्तों सेम रहेगा, वो रहेगा 57.50, मतलब 57 रुपीज़ और 50 पैसा चार्ज देना पड़ेगा अगर आप 25,000 से ज़्यादा करते हो तो करेंट अकाउंट वाले। अब बात करते हैं दोस्तों एटीएम की, आप एटीएम से कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों एसबीआई टू एसबीआई आप 5 बार तक फ्री में ट्रांजेक्शन कर सकते हो, मतलब फ्री में पैसा निकाल सकते हो। अगर आप 5 बार से ज़्यादा पैसा निकालोगे एसबीआई के एटीएम से तो आपको 10 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, और अगर दोस्तों एसबीआई टू अदर बैंक से निकालते हो तो 3 बार तक फ्री रहेगा। दोस्तों आप 3 बार तक किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा निकाल लो फ्री रहेगा, और 3 बार के बाद डबल हो जाएगा चार्जेस, मतलब 20 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इधर एक एसबीआई ने स्कीम लाई है, अगर आप 25,000 रुपये मेंटेन करते हो अपने खाते में तो आपके लिए कोई लिमिट नहीं है, आप डेली पैसा निकाल सकते हो एसबीआई के एटीएम से। तो ये अच्छा है दोस्तों अगर जो लोग 25,000 रुपये मेंटेन करते हैं तो। और अगर दोस्तों 1 लाख रुपये मेंटेन करते हो आप अपने मतलब सेविंग अकाउंट में, तो 1 लाख रुपये जो मेंटेन करता है वो अदर्स बैंक से भी फ्री में पैसा निकाल सकता है डेली, कोई चार्जेस उनको देना नहीं पड़ेगा। तो 1 लाख रुपये तो दोस्तों काफ़ी हो जाता है वैसे। तो ये दोस्तों जो है कुछ एसबीआई के बारे में मैंने बताया। अब मैं एसएमएस की बात करता हूँ, जो एसएमएस चार्जेस जो है क्वार्टरली मतलब 3 महीने के जो चार्ज देना पड़ेगा आपको 15 रुपीज़ चार्ज लेगा, जो कि आप ट्रांजेक्शन करते मैसेज आते होंगे दोस्तों आपके पास, तो उसके लिए 15 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। तो खबर दोस्तों यह भी है कि अगर आप 25,000 रुपये मेंटेन करते हो तो वो 15 रुपये भी आपसे एसबीआई नहीं लेगा। तो यानी कि अगर 25,000 रुपये मेंटेन करते हो बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, 15 रुपये भी नहीं लेगा, और आप एसबीआई से डेली एटीएम एसबीआई के जो एटीएम से डेली आप पैसे भी निकाल सकते हैं। और दोस्तों ये तो रहा आपको एसबीआई के बारे में, सब कुछ बता दिया है। और जो एसबीआई के जो डेबिट कार्ड हम लोग रखते हैं एटीएम रखते हैं तो उसका भी सुनने में आया चार्जेस जो है एनुअल जो फीस होती है वो बढ़ा सकती है एसबीआई। तो अब इस बारे में लेकिन कुछ जो है दोस्तों पक्की खबर नहीं है कितनी बढ़ा सकती है, लेकिन जो अभी चार्जेस चल रहे हैं एसबीआई के डेबिट कार्ड के जो आपसे एनुअली फीस लेते हैं, तो एक इमेज देखिए दोस्तों इसके द्वारा मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो है कितना चार्जेस लेती है एसबीआई एनुअल फीस डेबिट कार्ड के लिए। तो ये इमेज के थ्रू आप देख लीजिए। और दोस्तों बात करें तो एसबीआई के जो 5 एसोसिएट्स बैंक हैं उनका विलय हो गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और वो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। तो ये कौन कौन से बैंक हैं जिनका एसबीआई में विलय हुआ है, मर्ज हुआ है, आप जरा देख लीजिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रिवणकोर और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर का विलय जो है दोस्तों 1 अप्रैल 2017 से हो जाएगा। मतलब इनके जो कस्टमर्स हैं, ग्राहक हैं, वो अब ग्राहक कहलाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के।
तो दोस्तों हो सकता है कि लेन देन में थोड़ा सा और ये जो इनके ग्राहक है लेन देन में थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन जो है 1 अप्रैल से दोस्तों ये आपके जो एसोसिएट्स बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर कहलाएंगे। तो दोस्तों ये एक वीडियो था जिसके बारे में मैं जो कि SBI के बारे में मैंने आपको बताया, पूरा डिटेल दिया। तो सबसे बड़ा दोस्तों इसमें चैलेंज है मेंटेन करना, मतलब आपको मिनिमम जो है बैलेंस मेंटेन करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो मेंटेन नहीं करते थे दोस्तों, तो इसमें आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा चैलेंज वाली बात है, बाकी सब तो ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कीजिएगा, और मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है दोस्तों। और इस टाइप से वीडियो और चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप मेरी चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप से वीडियो चाहे मेडिकल हो, चाहे टेक हो, चाहे कोई अदर्स नॉलेजेबल वीडियो हो, मैं लाते रहूंगा। तो दोस्तों कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए आपका अपना चैनल नॉलेज फॉर इंडियन।